हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ जुबली वेब सीरीज का रिव्यू, जो कि रिलीज हुई है अमेज़न प्राइम पे। 10 एपिसोड से हर एपिसोड आप मान के चलो 50 to 55 मिनट्स का है, मतलब 10 घंटे ले लेगी ये सीरीज आपकी। सबसे पहले बता दूं, ये बिल्कुल भी फील गुड वाली सीरीज नहीं है। कहीं कहीं आपको अच्छी फीलिंग आएगी, लेकिन एट लास्ट नॉट अ फील गुड मूवी, ओके सॉरी सीरीज। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो आईएमडीबी की रेटिंग है 10 में से 8.5, और गूगल की रेटिंग है 5 में से 4.8, एंड टीओआई ने इसको 5 में से 4 रेटिंग दी है। मेरी रेटिंग के लिए लास्ट तक ये वीडियो देखें। स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड है 1947 के टाइम पे, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह का टाइम देखा था पार्टीशन के समय। तो बस बॉलीवुड में क्या स्थिति थी ये वो दर्शाएगा कि 1945-43 से लगा के 1953 तक की ये पूरी स्टोरी लाइन लिखी गई है। ये बेस्ड है बॉलीवुड के ऊपर कि उस समय के जो इंडियन सिनेमा थी वो किस तरह से ग्रो कर रही थी, और एक रॉय टॉकीज था जो कि फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस था, वो उसके इर्द गिर्द सारे कैरेक्टर कैसे घूमते हैं, उनकी लाइफ कैसे बनती है बिगड़ती है, सब कुछ इसमें बताया गया है। इसमें अगर हम देखें तो हमको ड्रामा, पॉलिटिक्स, पैशन, लव, हेट सारे कलर दिखने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको कई स्टार्स की रियल लाइफ स्टोरी पता चलने वाली है। जी हाँ, ये बेस है रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर। एक नहीं, दो नहीं, तीन से चार जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये सीरीज। तो मैं बताऊंगी किन के ऊपर बेस्ड है, आप आगे आगे देखो तो सही। सो स्टोरी एकदम धांसू तरीके से लिखी गई है। स्टार्ट तो एकदम सुपर्ब होता है, और जो डायलॉग्स होते हैं वो आपको रट जाएंगे, मतलब आपको रटने पड़ेंगे ही, वो इतनी बार एक डायलॉग तो बताया गया। सो एनीवे, स्टार्ट बहुत अच्छे से होती है, बीच में जाके थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बोर हो जाती है, आपको लगता है यार ये मैं क्यों देख रहा हूँ, बट क्योंकि आपको जानना होता है आगे क्या होने वाला है, तो उस एक्साइटमेंट में आप पूरी सीरीज खत्म कर देते हैं। हाँ, ये आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। डायरेक्शन जो किया है वो विक्रमादित्य ने किया है, जो लुटेरा, सैक्रेड गेम्स और उड़ान जैसी फिल्में बना चुके हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखो यार, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ जो जज करूँ, बट इससे मैं बहुत सारी मूवीज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार इसमें यहाँ पे ये डायरेक्शन अच्छा और होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो होना, तो उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन था वो थोड़ा सा वीक था, कि स्टोरी लाइन बहुत ही सॉलिड लिखी हुई थी तो उसमें बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही गंदा हुआ है, कुछ कुछ चीजें एकदम ट्रैक पे चली है, कुछ चीजें ऑफ ट्रैक हो गई है और फिर वापस से ट्रैक पे आ गई। तो इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि डायरेक्शन सो सो था, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने बताया कि कला के टाइम की ही मूवी है, कला भी जस्ट अभी हमने देखी, बहुत ही परफेक्ट मूवी थी वो, तो उसके कंपेयर में डायरेक्शन की अगर बात करें तो थोड़ा सा कम है। कला से याद आई कि प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन भी इसमें और अच्छा हो सकता था, बट सेट्स वही दो तीन गिने चुने आपको दिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, तो किन से कि हाँ और इसमें अच्छा हो सकता था, कहाँ प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में। म्यूजिक की अगर बात करें तो अमित त्रिवेदी कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, बट इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। हाँ, उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन म्यूजिक बनाया है, कि उस दौर में जिस तरीके का म्यूजिक होता था बिल्कुल वैसा ही म्यूजिक है, लेकिन ये अच्छा हो सकता था क्योंकि कला भी उसी दौर की मूवी है, तो उसके ट्रैक्स अभी तक लोगों के मुंह पर है, तो इसमें वो चीज़ की थोड़ी सी कमी है कि यार एकदम मुंह पे आए नहीं है, उतने फेमस भी नहीं हुए, तो मुझे ही नहीं दूसरों को भी इतने कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो ये मल्टी स्टार और वेब सीरीज है, इसमें बहुत सारे स्टार्स थे, जो जिसमें से स्टार्ट करेंगे, सबसे अच्छा जो मुझे जिसका रोल लगा वो वामिका गावी थी, बड़ी प्यारी लगती है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है। ग्रहण में भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रोल प्ले किया था, और इसमें भी नीलोफर का रोल बहुत प्यारा प्ले किया है। अपार शक्ति खुराना इसमें बने हैं विनोद दास, जिन्होंने अपना कैरेक्टर इतने अच्छे से प्ले किया है कि एक तरफ आप उनसे हेट भी करते हैं और दूसरी तरफ आपको उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी आ जाएगा, तो मतलब बहुत प्यारी एक्टिंग की है। अगर मैं एक्टिंग की कमी की बात करूं तो सिद्धांत गुप्ता जो है उनकी एक्टिंग थोड़ी सी लो लगी कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर एकदम परफेक्ट है बट कहीं कहीं पर लो लगी। इन्होंने प्ले किया है खन्ना का रोल,
रोल के बारे में बताऊंगी, कौन सा रोल किसने प्ले किया और एक किसकी रियल लाइफ बेस पे आधारित है, तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सारा कुछ इस वीडियो में नहीं बता सकती। इसमें राम कपूर भी हैं जिन्होंने एक फिनांसर, मूवी फिनांसर का रोल किया है। छोटा सा ही रोल था बट हाँ, हमको लगता है ना कोई अच्छा करता है तो इसको और दिखना चाहिए, और दिखना चाहिए। छोटे से रोल से मुझे याद आया कि इसमें श्वेता बासु भी थी, उनका रोल भी और अच्छा हो सकता था बट ठीक है, अब स्टोरी में इतना ही लिखा होगा तो इतना ही दिया। इसके अलावा जो थी अदिति राव हैदरी, वाओ क्या रोल प्ले किया है एकदम। एक तो वो खुद है ही रॉयल और उनका रोल भी रॉयल था। इसमें उन्होंने प्ले किया है सुमित्रा कुमारी का रोल, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर लगती है यार वो, तो अच्छा करेगी ही। सो नेक्स्ट हम इसमें थे अरुण गोविल, यार प्रभु श्री राम जैसे दिखते हैं लगता है, अरे ये तो अपनी वाली ही है सीरीज। उनका भी रोल छोटा सा था बट अच्छा प्ले किया उन्होंने, अच्छा रोल था। इसके अलावा जो थे प्रोसेनजीत चटर्जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो रॉय का कैरेक्टर है वो निभाया है। मतलब मुझे पता नहीं था, मैं बंगाली सीरीज या मूवीज कभी देखी नहीं है, और वो तो एकदम एकदम क्लास रोल प्ले किया है बहुत अच्छी एक्टिंग के साथ। और भी बहुत सारे एक्टर्स रहे। हाँ मैं इसमें आपको बता दूं, एक स्पॉइलर है छोटा सा बट उससे आपका ये मतलब बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होगा वेब सीरीज। अमित त्रिवेदी जो कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने इसमें छोटा सा रोल प्ले किया, तो आप जरूर देखना। अब बारी आती है रेटिंग की, तो 10 में से मैं इस वेब सीरीज को दूंगी 8.2। मैंने किस लिए काटे, तो 1 पॉइंट पूरा का पूरा मैंने म्यूजिक के लिए काट दिया क्योंकि म्यूजिक और अच्छा हो सकता था बट ठीक है। और आधा मार्क्स मैंने काटा है प्रोडक्शन के लिए कि थोड़ा सा प्रोडक्शन डिजाइन और अच्छा हो सकता था उस जमाने के हिसाब से। और आधा मार्क्स काटा है मैंने डायरेक्शन के लिए कि डायरेक्शन कहीं कहीं ऑफ ट्रैक जा रहा था, तो ठीक है चलते। बट 8 रेटिंग दिए तो आई थिंक आपको ये मस्ट वॉच है, आप देखें और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी।